वेलकम टू मस्तियां सर। बहुत मेहरबानी विना जी, बहुत मेहरबानी। तुसी मेरे ते जो इंट्रो दिता है सारी दुनिया मैनू ना प्यार कर दी है। तुसी इन्नी रिसर्च कर ली मेरे बारे विच। आपकी बात नहीं करे हम। नहीं, मेरी गल ओ ते मंगना है बाबा किसे काम। आप एक्टर ऑफ द मिलेनियम है। तुसी जरा हिस्ट्री ते पंजाब दी पढ़ो जनाबे अली, तुहानू पता लगे कि नसीम राणा है कौन। अच्छा, आप नसीम राणा है। जी जी जनाबे अली, मैं मुहम्मद राणा दा बड़ा वड्डा फैन हां जी। तुसी मेरा जिस तरह तारुफ कराया मैनू बड़ी खुशी हुई। आपका तारुफ तो मुझसे अभी हुआ है। मुझे अभी पता चला है कि आपका नाम क्या है। कितनी को फिल्में कर चुके हैं आप अभी तक? मैं हूं तक मेरे ख्याल कम से कम 100 to 150 फिल्म कर चुके हैं। और वो कहाँ रिलीज हुई है? पाकिस्तान में रिलीज हुई है। हाँ तो सुनो अपनी फिल्म दे, फिल्म आ रही है इन्हें रेड़ा मेरे वीर दा, पतला दूध गाड़ी दुश्मनी, इन्हें फिल्म आ रही है। क्या बात है, देखो लोग अपनी फिल्मों को कितने शौक नाल देखते हैं। तो रिलीज कहाँ हुई है ये फिल्में? टिकटॉक पे हुई होंगी। और टिकटॉक पे फिल्म चलती है 2.5 घंटे, तू पागल तो नहीं गा? ओए उन्होंने गल कर दे, फेके कुआल दी मंगेतर हुंदी है। गल कर देखें, हमने बड़ी मुश्किल से उनकी डेट ली है, जरा उनसे बातचीत करने दे। बाबा जी, अमिताभ बच्चन। ओए बिग बी ने। हाँ जी। ओए होए 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 होए, अच्छा मैं तो हूं पहचाने, बिल्कुल जा ही पे बाबा जी। लगता है कि वीना जी मैं या तो गलत शो में आ गया हूँ या फिर ये गलत गेस्ट आपने बुला दिया। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, ये तालियां। पाकिस्तान जी थे कुछ करके दिखाओ फिर तालियां। आप सबको ईद मुबारक। बिग बी आप ये बताइए कि करियर के आगाज में सुना है कि आपको लंबी टांगों की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता था। ए बाबा जी की तू कह रहे हो, लंबी टांगा ने बाकी कितने बार तो नहीं रख के आ गए। ए तेरा बेड़ा कर को, वक्त साथ साथ इंसान। अच्छा थल्ले नहीं जा रहे हो, डेढ़ दो साल तक ना बिग बी इतना की रह जाएगा। टांगों और आवाज की वजह से ना सिर्फ मैं फिल्मों में रिजेक्ट हुआ बल्कि शादी की फिल्मों में भी रिजेक्ट हुआ। भी हो गए हो जी, फिर की में काम दिता था। लेकिन उसके बाद आपने देखा नहीं? नहीं देखा। बाबा जी तुसी इश्क कर करके ना टेशन दे नलके वरगे हो गए हो। और यह जो बाबा कह रहे ने टाइट टैनिक वाली बूढ़ी ने आखिरी यम मेरे साथ गुजारे थे। पढ़ा वो गाना मैंने बड़ा पसंद आई जी। देखा है ख्वाब तो सिलसिले हुए। शुक्र है कि उसको पता चला कि मैं कौन। लेकिन थोड़े नाल ना सैमा खान बहुत सुन जची है। वो साइमा नहीं, रेखा जी है। वो रेखा जी? हाँ जी। ओ रेखा, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। गालिबन आप इन्हें रेखा समझ रहे हैं आज। धोती वाली रेखा पहली बार देखी थी। ये गिला है आपकी निगाहों से, दूर तक है डर में आपके फासले हुए। देखो Don't touch me. अगर तुमने मुझे छुआ तो जहां से तुम्हारी लाश निकलेगी, मैं जहां खड़ा हो जाता हूं वहां से लाइन शुरू होती है। बिग बी बैठ जाइए। मैंने समझा ले सुतिया रोशना, आज जट ने गंडासा कर लिया ते बिग बी ने टोटे टोटे कर दिया ना। ए अंदर रातों में सुनसान राहों पर और जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है जिस लोग शहंशाह कहते हैं। पलकां दा चिमटा बजा के तेरे नाल मोहब्बत पा के मैं लुटी गई सोने दे, मैं लुटी गई। वीना जी समझा लो, इंडिया ते पाकिस्तान दे प्रिंट लड़ पे ने। मेरा चैन बहन सब उजड़ा धनक धनक धन कालम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। ओ मेरी अंगड़ाए, एडी तेरी अंगड़ाई सी क्यों तकलीफ दी उन्होंने। लंदन लड़ाई होगी नसीम राणा की वजह तो। क्या पाशा बासू ना अद्धा घंटा यो कह रहा है नवाजुद्दीन सदीकी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे। देखें जी आर्टिस्टों की रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, लेकिन सीरियसली
मैंने कभी आपका नाम ही नहीं सुना। मैं कहना के आधा घंटा करण जौहर मेरे पैरों में बैठ के रोंदा रहा फिल्म। आपके पैरों में? हां जी। वो तो मैं सुना ही तुम्हारे पैर में मोच आई है मलदा पिया सी। अगले दिन भी तेरीयां फिक्की सुनी जावा छड़। मैनू कहंदा जी मेरी फिल्म में काम करो। अच्छा। हां पैसे तय नहीं हुए। क्यों ज्यादा मांग लिए थे आपने? मैं उन्होंने कहा सी के 50,000 पाउंड लवांगा। 10 साल दा कहंदा जी एग्रीमेंट करो। हुण तुसीं मैनूं इह दस्सो कि 10 साल केड़ा बंदा कॉफी विद करण दे विच हर बंदे नूं कॉफी फड़ाए। अच्छा। वो भी 50,000 पाउंड्स के बस 10 साल। मेरे कहंदे मेन रोल है तुहाडा हर वेले तुसीं आउणा है। इहो ते मैं परेशान सां। मैं कहते 3500 लै के राणा साहब गर्म मोबाइल च छाल मार देंदे ने।